अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर वाफिया होंगे। छोटे जितने भी लोग हैं कैंडी मेडिकल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज जुम्मा का दिन था तो अभी हम नमाज़ पढ़े थे। खैर नमाज तो कब की हो गई, लेकिन अभी भी देखें लोग जो है यहाँ से निकल रहे। तो आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आवाम थी क्योंकि मेरा रबी अव्वल शुरू हो चुका है इस वजह से। और यहाँ से ये देखें कैसे दिख रहा है मंज़र, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मेरे चाचा खड़े हो नमाज़ पर, चाचा मतलब नमाज अदा करी, इधर मैंने पढ़ी। पहले हमें जगह ही नहीं मिली, हम लोग मतलब पीछे की साइड पर थे तो हम लोग बहुत पीछे चले गए थे। अभी जगह मिली तो यहाँ पर फिर आए अंदर। मतलब हम लोग उधर धूप पे पड़ी आज, क्योंकि आज बहुत रश था तो हमें आने का मौका नहीं मिला और हम लोग लेट भी हो गए थे। और माशाल्लाह देखें कैसे लग रहे हैं। और अभी जो ना हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं। सामने देखें मस्जिद का मामा और उसके ऊपर पिजन देखें कैसे भरे हुए हैं, जैसे पिजन ऊपर भरे हुए और नीचे बंदे वैसे दिख रहे हैं, उनकी टोपियाँ और सर दिख रहे हैं। अभी हम लोग 310 नंबर से गेट से निकल रहे हैं और जो ना सीधा जाएंगे घर की तरफ। और यहाँ पे भी रश है, जहाँ से भी जाओ आज के दिन रश है। चले अभी फिर घर चलते, फिर आपको वहीं पर चल के देते हैं। और भी चाचा चले गए अंदर तस्वीर लेने, हमने फिर उधर पानी के पास क्योंकि हम लोगों ने जमजम भरा था ना इधर से, तो जमजम का मैं इधर ख्याल कर खड़ा हूँ। तो मैं छोड़ के अभी जा रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है वो है रिजवान, जिसके साथ लास्ट टाइम हम लोग गए थे पिछले जुमे सैन अमीर हमजा, वहाँ पर वो आया हुआ यहीं कहीं पर ना, तो उसको मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ पर। रिजवान भाई के साथ हम लोग गए थे। और रिजवान सर क्या है, ठीक हो? वैसे हम लोग मिले थे आपकी खातिर यूट्यूब पे, फिर से मिल रहे हैं। और ये क्या है, किला अलमंदी है? देखो भाई यहाँ पर किला अलमंदी है। कौन सी जगह, कौन सी है? ये है जी दायरी है मदीना की, और इस तरफ से जो है एयरपोर्ट। अच्छा हाँ भाई, देखो दायरी है और इधर जो है किला अलमदीना है। हम लोग इसके अंदर चल रहे हैं और देखते हैं मंदिर का क्या सीन है इधर। जैसे किला लिखा हुआ है तो अंदर भी देखें माशाल्लाह से किला ही बना हुआ पूरा, ये देख रहे हो पूरा गेट ये वो। ओहो भाई किले के अंदर से क्या शीशे आगे जा सकते हैं? नहीं शीशे है भाई, मुझे लगा मैं आगे चला जाऊँगा। तो ये कुछ इस तरह से है माशाल्लाह। इधर देखें इधर क्या, इधर शायद फैमिली हॉल है इस साइड पर। हाँ इस साइड पर शायद मर्दों का काम होगा। प्यारा है यार, बहुत ज़बरदस्त है ये। तो भी अंदर हम लोग आ चुके हैं और इधर जो है रिजवान और अदिल भाई बैठे हुए। और ये कुछ इस तरह सेटअप है, देखें ऊपर इस तरह से, नीचे आपको इस तरह ये सुफरा दस्तरखान जैसे हो गया। और ये मंदी इन्होंने मंगाई थी। अभी कौन सा फ्लेवर है कोई पता नहीं, फ्लेवर है भाई इसमें कोई, कौन सा फ्लेवर है? सबसे जो पहला फ्लेवर है हाशी का नाम। हाशी तो ऊंट है ना, मैं कहते हैं हाशी बाशी। हाँ उसके चावल बहुत मशहूर है। और दूसरा जो है वो मालूम नहीं लगा किस चीज़ का। अच्छा भाई एक हाशी है और एक लाभ है, और साथ में हमें कुछ इस तरह से इन्होंने सेटअप करके दिया। ये मेरे ख्याल से इनके टमाटर वाला सॉस होगा, चटनी जो होती है, और ये प्याज और इनके साथ सर्व किया। तो अभी हम लोग खाते हैं, अगर आपको भी खाना है तो बिस्मिल्लाह। ये रही देखिए हमारी मंदिर जो इस तरह से थी। और भाई ने मुझे बोला कि या सलाम बोला, लेकिन मुझे यार बोला नहीं गया। तो भाई या सलाम हो गया। ये कुछ इस तरह से, और ये वाइट राइस के साथ है और ये जो है कलरफुल राइस के साथ है। अब इसका टेस्ट क्या है वो खैर आपको बातें बताते हैं। यार खाना हमने खा लिया और अभी हम लोग बैठे हैं गाड़ी में। गाड़ी अभी गर्म होगी उस्ताद, पहले आप बैठो, सीट अभी गर्म हुई होगी फुल। गर्म है, ठंडी है? ठंडी है हाँ यार, नॉर्मल है। चलो तो यार यहाँ पर आए थे, केरला का होटल था और यहाँ से हमने पी है चाय, और चाय पी के अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। इस भाई को इसके घर पे छोड़ेंगे इंशाल्लाह, सुकून मारेगा फिर काम पे जाएगा। और मैं जो ना इंशाल्लाह मस्जिद बिलाल की तरफ निकल जाऊँगा फिर। और अभी हम लोग आ गए मस्जिद बिलाल के पास और रिजवान भाई ने मुझे यहाँ पर ड्रॉप किया। ठीक है रिजवान भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक। ओके अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। इवनिंग का टाइम है और यहाँ पर बादल देखे कैसे बन गए। दोपहर के टाइम आपने देखा था कुछ भी नहीं था, लेकिन ये ऐसे ही है भाई, बरसने वाले नहीं है। मैंने इनसे बहुत उम्मीद रखी थी 2-4 दिनों से ना, लेकिन ये बरसने वाले नहीं है। बस ये ना गरजने वाले ना बरसने वाले, बस दिखावे के लिए डिकोर वाले हैं यहाँ पर। शायद वाली बात इनको गुस्सा आ जाए इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। अभी मैं फिर से जा रहा हूँ हरम नमाज़ पढ़ने। मौसम देखे कुछ इस तरह से बना हुआ है, बारिश नहीं होने वाली ऐसे ही है। नींद पूरी हुई नहीं और मुंह भी चेहरा भी थोड़ा ऐसा अजीब सा लगता होगा आपको। सुबह बड़ी मुश्किल से नींद आई थी 8-9 बजे। मैंने सोचा कि आज जल्दी सोता हूँ और सुबह जुम्मे के तो उठ जाऊँगा, लेकिन उसी चक्कर में मुझे नींद नहीं आई कि सुबह उठना है तो इस चक्कर में नींद भी नहीं आई फिर। तो यार नमाज़ मैंने पढ़ ली है और अभी जो है मेरा पाँव जो है क्या बोलते हैं इसको, विसम नाम तो बोलते हैं विसम ना, सारा ऐसे से हो रहा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ बैठ बैठ के। तो अभी खड़ा हूँ कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। और आज जुम्मा था तो यहाँ पर देखें रश अभी तक है बैठे हुए, मतलब नमाज़ कब की ख़त्म होगी। मैं भी बैठा था तो असल में इन दिनों में लोगों की छुट्टी होती है ना, तो इसलिए काफ़ी लोग आके यहाँ पर फिर बैठे ही रहते हैं।
तो मैं बैठ बैठ के अभी मेरा भी पाँव का काम हो गया, बैठ के जना अभी थोड़ी देर खड़ा होता हूँ, फिर जना लगता है खून जना रवा हो गया, फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा अभी इस तरफ देखें लोग, और वो जो सामने की तरफ ये इस तरफ लाइन लगे ना ये सारे जनता रियाद जाने के लिए ना खड़े हुए, टोकन वोकन देंगे। ओ भाई साहब मेरे, मुझे लगता है मेरे ऊपर एक दो बूंदें गिरी बारिश की। आज यार रात के टाइम फिर भी जो ना छतरियाँ खुली हुई, आपको यहाँ से रोज़ रसूल नहीं दिख पा रहा होगा, मेरे ख्याल से वो बारिश का मौसम बना हुआ है इस वजह से। वैसे भाई मैंने बोला तो एक दो बूंदें गिरी, अभी भी एक एक गिर रही है, हल्की हल्की हो रही है। वैसे कुबा पर, कुबा पर क्या है भाई, यौमुल वतनी आने वाला है तो यहाँ पर देखें अभी से ये आपको ग्रीन ग्रीन लाइट जितनी भी दिख रही है उसी का इंतजाम। मुझे लगा यहाँ पर पिछली बार की तरह कोई मतलब घोड़े हाथी नहीं, यहाँ पर ना कैमल आते हैं, कैमल वगैरह वैसे नहीं है फिलहाल। आप ये मार्केट इन्जॉय करें, कितनी ज़बरदस्त बना दी उन्होंने माशाल्लाह से, देखो जूस शॉप कॉफ़ी शॉप ये वो, तो बहुत ख़र्चा कर दिया माशाल्लाह। और भाई यौमुल वतनी है तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर नहीं देखें क्लॉक टावर, और मतलब यहाँ पर आपको डिस्काउंट दिखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर मतलब कुछ भी चाहिए तो इन दिनों में आपको बहुत डिस्काउंट मिलने वाला है, 35% तक, 30%, 40%, 50% तक डिस्काउंट हर जगह पे लगा होगा। चलें जी तो आज का भी लोग हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का मेरे पास छोटा सा व्लॉग है, उसका रीज़न ये है कि भाई कल रात जो है ना मैं जैसे आया आके जो ना वीडियो एडिट वगैरह करके सोने लग गया, तो मैंने बोला कि आज सुबह जुम्मा है जल्दी उठना है तो टाइम से सो जाता हूँ। हुआ ये कि सारी रात जो ना मतलब मोबाइल भी नहीं चलाया और जो ना यूं यूं कतरा के बस जो ना अभी नींद आ जाए, नींद ही नहीं आई, वो एक उलझन थी ना कि सुबह जल्दी उठना है। फिर ये देखें मैं यहाँ पे यहाँ नीचे सो गया था, फिर टेबल घटा के वहाँ पे उसके ऊपर इधर चार पांच जगहें बदली, लेकिन सुबह 9:30 ऐसे 8:30-9 बजे नींद आई थी। और उसके बाद ये हुआ कि भाई 11:30-12 बजे फिर हम लोग उठ गए नमाज के लिए, फिर आगे दोस्त के पास के चले गए थे। और उसके बाद जो ना भाई दिमाग ही काम नहीं, क्या क्या अभी मुझे करना है, क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना, तो इसी इस चक्कर में भाई साहब जो ना वीडियो बनी नहीं है, तो बस जितनी थी अल्हम्दुलिल्लाह क्या कर सकते हैं, तो बस यही था। और अभी भी मैं सो के उठाऊँ, 2-3 घंटे सो के फिर अभी उठाऊँ ताकि अभी फजर की नमाज़ होने वाली है, तो अभी वीडियो एडिट कर रहा हूँ और जितनी है 6 मिनट की थी मेरे ख्याल से, चलें जो भी है गुजारा हो जाएगा, अभी क्या कर सकते। काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि भाई आपके चाचा चाची लोग इतना बड़ा घर है अकेले क्यों रहते हैं, तो क्या करें भाई किसको साथ में रखें, मतलब वो बोलेंगे अपने बच्चों को रखें यहाँ पे, वीज़ा लेकर दें, ये करके दें, वो करके दें। तो भाई पहली बात तो ये है कि भाई हालात वैसे रहे ही नहीं है जैसे होने चाहिए थे यहाँ पर। आपको मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर बहुत ईजी है, आप यहाँ पे जो रह रहे हैं खैर उनको तो पता है कि यहाँ पे काम है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, पहले फिर भी हुआ करते, अभी सब कुछ तोड़ फोड़ के ना बहुत सारे यहाँ पर समझे आधा मदीना इन लोगों ने तोड़ दिया है, तो नया बना रहे तो आधे ज़्यादा काम तो वैसे भी ख़त्म हो गए, और जो नया आएगा वो तो बिल्कुल ही रोएगा। तो जो रह रहे हैं वो बस वो बर्दाश्त कर रहे हैं। बाकी जो मतलब जब यहाँ पर थे गए क्यों थे, तो भाई उन दिनों में चाचा ने बहुत रोका था, चाचा चाची मैं भी इधर ही था मदनी वालों को कि भाई नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन भाई उन दिनों ना पाकिस्तान का भूत था, पाकिस्तान जाना था उनको, तो छुट्टी पे भी नहीं है, हालांकि ये लोग बोल रहे थे कि भाई छुट्टी पे चले जाओ, लेकिन छुट्टी पे नहीं गए थे, ये बोलते हैं कि भाई मैं तो जाऊंगा तो पक्का ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, तो फिर खरोज लगवा के खुद ही गए थे। अभी खुद सोचें कि बंदा जब खुद ही जाए, उन दिन तो खैर काम भी लगे हुए थे, अभी तो ना काम है ना कुछ, अभी चाचा वाले भी यहीं पर बस रह रहे हैं, चाचा का भी काम वैसा नहीं है, चाचा पहले बहुत अच्छा काम चलता था, अभी इनका भी वैसा काम नहीं है, बस चाचा लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी अच्छी गुजरी है। पीछे भी इसलिए नहीं जाता कि क्योंकि बच्चे वगैरह वहाँ पे सेट है नहीं ज़्यादा, आपको पता होगा आपने देखा होगा वहाँ पर वो लोग भी इतना सेट नहीं है कि ये चलो भाई जाए हमारा वहाँ पर जो ना सेटअप बना हो, तो यहाँ पर फिर भी उनका जैसा कैसा इक्का दुक्का चल रहा है, तो इसी चक्कर में रहते हैं। बाकी भाई दूर से बैठ के जज करना एक अलग चीज़ होती है, बाकी जो बंदा यहाँ पर रह रहा होता है उसको अपना पता है कि वो क्यों अलग रह रहे हैं क्या है, तो मतलब हालात बहुत टफ चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी ये पीछे भी जाएं तो वहाँ पर इनके मतलब जो औलाद है वो इतनी सेटल है नहीं, और यहाँ पर हैं चलो उनको ये है कि भाई मतलब मुश्किल हालात जो भी काट के उनका खुद जो लोग अच्छा सुकून से रह पा रहे हैं, तो यही बस है बस अल्हम्दुलिल्लाह। और पीछे अपने बच्चों को भी कुछ ना कुछ मतलब उनकी हेल्प वगैरह करते रहते हैं यहाँ पर रहकर, क्योंकि और क्या कर सकते हैं, अभी वहाँ पर जाएँ तो फिर और फंस जाएंगे, इसलिए फ़िलहाल जब तक इनके बच्चे वगैरह वहाँ पर बिल्कुल सेट नहीं होते तो तब तक तो यहीं पर ही है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, हम बोलते तो हम भी है, वो चाहते तो वो भी हैं कि हम भी वापस चले जाएं, लेकिन जो ना वो फिर देखते ना कि हालात क्या है क्या सिचुएशन है, तो इस वजह से रुक जाते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।